जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया 1734 में पूरा हुआ था जयपुर का जंतर मंतर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जंतर मंतर के बारे में, जो कि जयपुर की एक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टूरिस्टिक स्पॉट है। क्या है ये जंतर मंतर और क्यों जंतर मंतर इतना प्रसिद्ध है? जंतर जिसका मतलब होता है यंत्र और मंतर जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो ऐसा यंत्र जिससे कैलकुलेट किया जाता है, तो क्या कैलकुलेट करता है जंतर मंत्र? कौन कौन से डिवाइस है जंतर मंतर के अंदर? कौन कौन से यंत्र है जंतर मंतर के अंदर जो कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की सारी सीमाओं को लांघ देते हैं? क्यों माना जाता है कि जंतर मंतर आज से आने वाले लाखों सालों तक धरती, सितारों और प्लैनेट्स का एकदम सही समय बताएगा? कैसे बनाई जाती है जंतर मंतर में आपकी जन्म कुंडली और कैसे निकाला जाता है आपका विवाह योग? तो ये सब जानने के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर एक, नेचुरल क्लॉक। 12:20 जयपुर का टाइम, ये 1 घंटा है। 1 घंटे के 4 से, 15 मिनट के 3 से, 5 मिनट के 5 से है, 1 मिनट के 3 से, 20 सेकेंड तक का टाइम बता। 12:22 जयपुर का टाइम। जंतर मंतर में एक नेचुरल क्लॉक है जिसके बारे में ये माना जाता है कि सदियों तक वो बिल्कुल सही समय बताएगी। जिस नेचुरल क्लॉक में 1 घंटे के 4 हिस्से जो कि है 15 मिनट के, फिर 15 मिनट के 3 हिस्से जो कि है 5 मिनट के, 5 मिनट के 5 हिस्से जो कि है 1 मिनट के, और 1 मिनट के 3 हिस्से जो कि है 20 सेकंड के, तो जंतर मंतर की नेचुरल क्लॉक आपको 20 सेकंड तक का एग्जैक्ट टाइम बता सकती है। और इस यंत्र का नाम है लघु स्मारक यंत्र। नंबर दो, जंतर मंतर। बना जंतर का मतलब यंत्र और मंतर का मतलब कैलकुलेशन। अपने पंचांग होते हैं बना, कैलेंडर, जन्म पत्रियां, अभी भी हर साल यहीं से ही बन। जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो जंतर मंतर का पूरा मतलब है वो यंत्र जो आपको कैलकुलेशन करने में मदद करे। और जयपुर का ये जंतर मंतर जो कि आज भी एक्टिव है, आप पूरे साल का कैलेंडर और किसी भी इंसान की जन्म पत्री या कुंडली जंतर मंतर में आके बनवा सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समय और एग्जैक्ट तारों की प्लेसमेंट बताएगा। नंबर तीन, पोलर स्टार। इस पॉइंट के ठीक सामने ध्रुव तारा दिखेगा, पोलर स्टार होता है ना, रात में 8 बजे से सवेरे 5 बजे तक। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। पहले ये नाइट में भी खुला हुआ था, 7:30 से 8:30। यदि नाइट में आप इसको देखेंगे ना बना, तो दिन से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। और कब तक खुलना शुरू होगा नाइट में सर, अब कोई पता नहीं। आप कह नहीं सकते। पोलर स्टार जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं, जो कि वो तारा है जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। जंतर मंतर में एक ऐसा डिवाइस है जो पोलर स्टार की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है, और अगर आप उस डिवाइस से पोलर स्टार देखेंगे तो आपको रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पोलर स्टार उसी डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन पे मिलेगा। वह डिवाइस धरती के चारों डायरेक्शंस भी बताता है जो कि है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये नजारा देखने के लिए पहले लोग रात को भी जंतर मंतर आते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते रात को जंतर मंतर अब बंद हो चुका है। और कभी ये फ्यूचर में खुले तो आप रात को जंतर मंतर देखने जरूर जाइएगा। नंबर चार, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। सामने है दक्षिण दिशा और पीछे है उत्तर दिशा। बना विंटर में सन साउथ में रहता है और समर में सन नॉर्थ में रहता है। 21 जून लंबा दिन होता है, 14 घंटे का दिन। 22 दिसंबर छोटा दिन है, 10 घंटे का दिन। जंतर मंतर में एक डिवाइस है जिसका नाम है दिगामसा, और वो ये बताता है कि साल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन कौन सा है। गर्मियों में जब सूरज उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ साइड रहता है, तब साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का, जिसमें दिन होता है तकरीबन 14 घंटे लंबा। और विंटर्स में यानी कि सर्दियों में जब सूरज दक्षिण दिशा में रहता है, तब साल का सबसे छोटा दिन आता है जो कि आता है 22 दिसंबर को, और जो कि होता है सिर्फ 10 घंटे बड़ा। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन हैं जिसमें दिन और रात बिल्कुल एक समान होते हैं। नंबर पाँच, यंत्र राज। यंत्र का नाम है यंत्र,
यंत्रराज, यंत्रराज अष्ट धातु का बना हुआ है। ये छेद देख रहे हैं बीच में छोटा सा, इसमें टेलीस्कोप लगाते हैं रात के टाइम अपने 27 स्टार है ना सर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंगल मालूम कर। नीचे इक्वेटर है डबल लाइन, ओके धरती का इक्वेटर, ऊपर जयपुर। आइए इधर और समझ। जयपुर के जंतर मंतर में एक यंत्र है जिसका नाम है यंत्रराज, जिसके बीचों बीच एक ऐसा छेद है जहां रात को टेलीस्कोप लगा के आसमान में देखे गए 27 तारों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एंगल नापा जाता है। यंत्रराज ही वो डिवाइस है जो कि बताता है हमारे इक्वेटर की पोजीशन और उसके अगेंस्ट जयपुर की पोजीशन। नंबर 6, द परफेक्ट साइंस। ज्योतिष का विषय है किसका विषय है सर? ज्योतिष का विषय या एस्ट्रोनॉमी, साइंस का एस्ट्रोलॉजी। तो ये कितने सालों तक वैलिड है सर ये घड़ी? कितने सालों तक मतलब ये सही टाइम बताएगी हमेशा? लेकिन कहते हैं कि कम से कम 25 साल तक यंत्र सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि धरती का जो इक्वेटर है वो बदलता रहता है धीरे धीरे धीरे। हाँ जी, तो कोई तो टाइम आएगा कि घड़ी मतलब फिर गलत टाइम बताने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंतर मंतर एक विषय है साइंस के सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का, और ये माना जाता है कि सदियों तक जंतर मंतर की ये घड़ियां पृथ्वी और सितारों का बिल्कुल सही समय और सही पोजीशन बताएंगी। नंबर 7, 12 राशियां। परछाई दिख रहा बनो सामने? हाँ जी परछाई। सूरज मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि किस? फरवरी से 20 मार्च तक मीन राशि। इक्वेटर साउथ नॉर्थ। तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन 6 राशि दक्षिण के। अच्छा, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, ये 6 राशि उत्तर। जंतर मंतर का एक डिवाइस बताता है सूर्य की पोजीशन कि सूर्य अभी कौन सी राशि में चल रहा है, जिसमें 6 राशि होती है साउथ यानी दक्षिण की और 6 राशि होती है नॉर्थ यानी उत्तर की, जिसमें दक्षिण में आती है तुला वृश्चिक धतु मकर कुंभ और मीन और जिसमें उत्तर में आती है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह और कन्या, और ये बताने वाले यंत्र का नाम है जय प्रकाश यंत्र। नंबर 8, महाराजा जय सिंह। आप लोग जयपुर घूम रहे हैं ना बना जी? जय राजा का नाम है, पुर का मतलब शहर। जंतर मंतर सिटी पैलेस जयपुर सिटी बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह 300 ईयर्स। सामने है मेन राशि। जयपुर सिटी बनवाई गई थी महाराजा जयसिंह द्वारा, जिनके नाम पर जयपुर का नाम रखा गया है। जय मतलब राजा जयसिंह का नाम और पुर मतलब शहर, और उन्होंने ही जयपुर का यह जंतर मंतर बनवाया था। जंतर मंतर के साथ उन्होंने बनवाई थी यहाँ का सिटी पैलेस और यहाँ की पिंक सिटी। नंबर 9, हॉरोस्कोप। ये 12 राशियां, एक साल में 12 महीने होते हैं, सूर्य एक महीना एक राशि, 6 दक्षिण के 6 उत्तर। शहर का नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, ये तीनों चीजें आप लिख के देंगे, आपका हॉरोस्कोप भी मिल जाएगा। जयपुर के जंतर मंतर में 12 राशियों के 12 इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जिसमें जिस महीने की जो राशि है उस महीने के समय सूरज उसी राशि के यंत्र के ऊपर आता है। और अगर आप अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म का समय और अपनी बर्थ प्लेस लिख के यहाँ पे दे दें तो वो आपका पूरा हॉरोस्कोप बनाकर आपको दे सकते हैं। और ये सब बताने वाले यंत्र का नाम है क्रांति वृत्त्य। नंबर 10, वृहत स्मारक यंत्र। ये छतरी देख रहे हैं भैया जी ऊपर, अपना मार्च का महीना आता है ना हर साल, मार्च का जी, यहाँ से बारिश का घोषणा होता है। अनाउंसमेंट अपन लोग रेडियो में भी सुनते हैं और अखबार में भी पढ़ते हैं बारिश के बारे। आइए, जंतर मंतर में एक घोषणा छतरी भी है जो मार्च के महीने में जब जयपुर में बारिश आने वाली होती है तो उस छतरी पे चढ़ के अनाउंसमेंट की जाती है बारिश के आने की। नंबर 11, राम यंत्र। ये राम यंत्र है बना पीले रंग में, सन का एल्टीट्यूड अच्छा और अजीमथ हाइट एंड एंगल 45 डिग्री। सन का एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड में हाइट 88 डिग्री, सन का एजीमथ एंगल
वरना हर 4 मिनट में सूरज एक डिग्री को पार करता है। हिंदी में कहते हैं मेरिडियन लाइन, मेरिडियन लाइन हाँ। और इंग्लिश में कहते हैं लोकल ओराइट। अच्छा, जंतर मंतर में एक राम यंत्र है जो कि हमें बताता है सूरज हमारे सूर्य की ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट और हमारे सूर्य का एंगल। राम यंत्र को काफी सारे बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है जिसमें एक बॉक्स का मतलब है 1 डिग्री एंगल और हर 4 मिनट में सूरज एक बॉक्स को पार करता है यानी कि 1 डिग्री हिलता है जिससे सूरज की हाइट और एंगल का पता चलता है। नंबर 12 दिशा यंत्र। दिशा यंत्र है दिशाओं की जानकारी के, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ये छोटा सा किल देखे मतलब इसमें पीतल का यहाँ पे पाइप लगाते हैं, यंत्र लगाते हैं, सन का डिग्री और डायरेक्शन देखते, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र का क्या स्थिति क्या योग बन। जंतर मंतर का दिशा यंत्र हमें बताता है हमारी चारों दिशाएं किस तरफ हैं, जो कि हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और दिशा यंत्र के बीचों बीच एक खंभा लगाया जाता है जिससे सूरज की डिग्री और डायरेक्शन का पता चलता है, यहाँ तक कि चंद्रमा नक्षत्र और सारे प्लैनेट्स का क्या स्थिति है और क्या योग बन रहा है वो भी इस डिवाइस से पता चलता है। तो ये थे हमारे जंतर मंतर के कुछ ऐसे रोमांचक तथ्य जो कि जंतर मंतर को इतना प्रसिद्ध बनाते हैं। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा सब्सक्राइब बटन के साथ हमारा घंटे का निशान और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें। और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट्स का सवाल ये है कि इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा रहस्य है जो जंतर मंतर के बारे में हमारी इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।